हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी टाइम चैनल। आप में से बहुत से लोग रॉक एंड रोल के दीवाने ज़रूर होंगे, और जो नहीं भी है अगर वो थोड़ा सा सुनना भी स्टार्ट करेंगे तो उनके पांव जो हैं अपने आप थिरकने लग जाते हैं, क्योंकि रॉक एंड रोल म्यूज़िक होता ही ऐसा है जो बूढ़े से लेके जवान तक के शरीर को झन्ना देता है। तो जी हाँ, तो रॉक एंड रोल से संबंधित हमने बात करी है, तो आज मैं आपके लिए एक बायोग्राफी लेके आया हूँ। बड़ी रॉक एंड रोल टाइप की बायोग्राफी है, फ्रेडी मर्करी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अका फारूक बुलसारा, या फिर कह सकते हो फारूक बुलसारा अका फ्रेडी मर्करी। तो फारूक बुलसारा एक प्रकार से इंडियन ओरिजिन को ये बिलोंग करते हैं, इनके पेरेंट्स जो थे वो पारसी कम्युनिटी के थे, तो एक इंडियन टच होने के नाते ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है ये बंदा, क्योंकि जब हम इनके म्यूज़िक सुनते हैं और जिस प्रकार का इन्होंने म्यूज़िक बनाया वो आज भी सुपर डुपर हिट है। और इन्होंने कईयों को एक प्रकार से म्यूज़िक किस प्रकार से बनाना चाहिए और म्यूज़िक में क्या चेंज लाना चाहिए इन्होंने सबको सिखाया है, और ये एक प्रकार से आज के दौर के लेजेंड बन चुके हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेडी मर्करी की। ये ब्रिटिश सिंगर थे, सॉन्ग राइटर भी थे, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी थे, लीड वोकलिस्ट थे, और इनके बैंड का नाम था द क्वीन। अगर आप में से थोड़ा सा किसी कुछ लोगों ने अगर बैंड जो बैंड्स होते हैं उनमें अगर इंटरेस्ट रखा होगा तो क्वीन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये 1970-80 के ज़माने के वन ऑफ द टॉप बैंड हुआ करता था, और इन्होंने पूरे विश्व में अपनी ख्याति यहाँ पर छाई है। तो फ्रेडी मर्करी के बारे में हम उनके चाइल्डहुड से लेके उनके डेथ तक की आज हम पूरी बात करेंगे, और खट्टी मीठी जो उन्होंने अपने जीवन में अगर यादें रखी हैं वो भी हम शेयर करेंगे, और क्या एक नौजवान उनसे सीख सकता है वो सब हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके चाइल्डहुड के बारे में। तो इनका जन्म, फ्रेडी मर्करी का जन्म जंजीबार, जो आज के दौर के तंजानिया जो कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ पर हुआ था। जंजीबार एक प्रकार से सल्तनत हुआ करती थी, और ये इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1946 को हुआ था, और पारसी कम्युनिटी के इनके पेरेंट्स थे, देवर फ्रॉम इंडिया। और जंजीबार जो है एक प्रकार से ब्रिटिश प्रोटेक्शनरेट एक प्रकार से एरिया था, जो सल्तनत जो थे वो अरेबियन जो कंट्रीज़ हैं इनके संपर्क में ज़्यादा था, तो इसका सुल्तान को जो था ब्रिटिश की एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिली हुई थी। ठीक है, तो इनके अगर हम चाइल्डहुड के बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में बात करें, तो फ्रेडी मर्करी ने अपना मैक्सिमम जो चाइल्डहुड जो है वो इंडिया में बिताया था, और इंडिया में रह के ही, अगर आपने इनकी वीडियोज़ देखी होंगी तो आपने देखा होगा पियानिस्ट, ये बहुत ही शानदार पियानिस्ट थे, और पियानो की बात करें तो इन्होंने जो पियानो के जो लेसन्स जो हैं वो इंडिया में ही लेने स्टार्ट कर दिए थे एट द एज ऑफ 7। तो एक प्रकार से ये बॉर्न आर्टिस्ट थे। देखिए, आर्टिस्ट के बारे में बात करो, बॉर्न आर्टिस्ट के बारे में बात करो, तो आप में से बहुत से लोग जो हैं सबके अंदर एक एक टैलेंट होता है, और उस टैलेंट को अगर आप बचपन में ही पहचान जाओ तो आगे आपको अपना करियर चुनने में प्रॉब्लम नहीं होती, जो एक प्रकार से फ्रेडी मर्करी ने किया। तो ही वॉज अ बॉर्न आर्टिस्ट, तो जो उन्होंने पहचाना, तो 7 साल की उम्र में पियानो क्लासेस देना स्टार्ट किया। और उनकी एजुकेशन की बात करें तो सेंट पीटर स्कूल जो है इट वॉज नियर बॉम्बे एट दैट टाइम, वहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट करी है, और ये स्कूल लेवल से ही इनके अंदर एक प्रकार से बैंड और म्यूजिक, रॉक पॉप वेस्टर्न म्यूजिक का बड़ा इंटरेस्ट था इनके अंदर। तो इन्होंने अपने स्कूल टाइम में ही एक बैंड बना दिया था जिसका नाम था द हेक्टिक्स। तो आप कह सकते हैं कि बचपन से ही इन्होंने जो अपनी कला है, वो आर्टिस्ट जो उनके अंदर का जो था छलांग मार रहा था, उसको उन्होंने बाहर निकाला। और इनके जो भी म्यूजिक हुआ करते थे उनमें वेस्टर्न पॉप म्यूजिक का ही वो ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। और 1963 में ही मूव बैक टू जंजीबार, और ये वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ में जाकर रहने लग गए, और क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो वेस्टर्न और मतलब ब्रिटिश प्रोटेक्शनरेट जंजीबार में, उन्होंने उनको सरकारी नौकरी भी दिलाने की यहाँ पर कोशिश करी थी, तो यहीं पे उन्होंने अपना करियर एक प्रकार से स्टार्ट किया था। अब हम इनके ब्रिटिश सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, तो इनकी फैमिली जो है 1964 में जंजीबार से वो वहाँ से भाग गए, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, जो वहाँ का सल्तनत जो थी, और जो मतलब सुल्तान ऑफ जंजीबार और जो उसके अरेबियन जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ में एक रेवोल्यूशन वहाँ पे चल गया था, वायलेंस हुआ था, इसमें बहुत से अरेबिक और इंडियन लोग मारे गए थे। तो देवर लक्की की 1964 में वो वहाँ से निकल गए, और वहाँ से निकल कर वो इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड में क्योंकि वो जंजीबार में पैदा हुए थे, और जंजीबार जो है वो ब्रिटिश
प्रोटेक्टरेट एरिया था, तो 1969 में उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप भी वहाँ पर मिल गई। तो वहाँ पर उन्होंने अपने बाकी की एजुकेशन करी है। आइलवर्थ पॉलिटेक्निक्स जो वेस्टर्न जो लंदन है वहाँ से उन्होंने अपनी पॉलिटेक्निक करी थी। उसके बाद वो आर्ट के क्षेत्र में गए क्योंकि आर्टिस्ट थे, तो ग्राफिक आर्ट उन्होंने पढ़ा और डिज़ाइन उन्होंने पढ़ा था, एलिंग आर्ट कॉलेज यहाँ से पढ़ा था। और देखिए आप अपनी एजुकेशन का कैसे इस्तेमाल अपने करियर में कर सकते हो, तो ये भी फ्रेडी मर्करी ने हमको यहाँ पर सिखाया है, क्योंकि इन्होंने आर्ट यहाँ पर सीखा था, डिज़ाइनिंग इन्होंने सीखी थी। तो जो उन्होंने क्वीन बैंड बनाया था, जो उसका लोगो है, जब आप उसके लोगो को देखेंगे तो वो लोगो फ्रेडी मर्करी ने ही डिज़ाइन किया था, और बहुत ही एक प्रकार से शानदार लोगो था और क्वीन और उनके बैंड को पूरा डिपिक्ट करता है। तो आप लोगो ज़रूर देखें और वहाँ से देखेंगे कैसे आप अपनी एजुकेशन का आप अपने करियर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने बड़ी एक शानदार नॉलेज यहाँ पर दी है। उसके बाद देखिए इनका जो करियर जो था, जो बैंड जो था, इतनी जल्दी फेमस नहीं हुआ था। उससे पहले इनको बहुत से छोटे मोटे ऑड जॉब्स करने पड़ गए थे, और इन्होंने सेकंड हैंड क्लोथ्स तक बेचे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, जिसका नाम था मैरी ऑस्टिन। और मैरी ऑस्टिन का इनके जीवन में बहुत बड़ा हाथ होता है। वो कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है, तो इसके पीछे भी फ्रेडी मर्करी के जीवन में भी मैरी ऑस्टिन का बहुत बड़ा हाथ था। लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रही थी, और यहाँ तक मरने के बाद भी इन्होंने अपनी मैक्सिम संपत्ति जो है मैरी ऑस्टिन को ही समर्पित कर दी थी, और उन्होंने भी पूरा साथ निभाया था। तो ही सोल्ड सेकेंड हैंड क्लोथ्स, ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने बैगेज हैंडलर के रूप में भी काम किया था, जो वहाँ का हीथ्रो एयरपोर्ट है इंग्लैंड का। तो काफ़ी और जॉब्स करे, फिर भी इन्होंने अपना पैशन कभी भी छोड़ा नहीं, और कॉलेज के टाइम पे ही इन्होंने छोटे मोटे जो ग्रुप्स हैं बैंड्स के, उनको ज्वाइन करते रहे। अब उसके बाद फाइनली इनके जीवन में जो टर्न आया वो 1970 में आया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपना एक शानदार जो इनको करियर चेंज करने वाला बैंड था, द क्वीन का इन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया, और जिसमें उसके गिटारिस्ट थे ब्रायन मे और ड्रमर थे रॉजर टेलर, और लास्ट में 1971 में, एक साल के बाद में, बासिस्ट जॉन डिकन ने इसको ज्वाइन किया। तो ये चार मेंबर का इतना शानदार बैंड था, इनके इतने हिट्स हैं जो आप कभी सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि वो हिट क्यों है। उसके बाद में जो लोगों की मैं बात कभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, जब आप उस लोगों को देखेंगे तो इस लोगों के पीछे बड़ा लॉजिक था। तो उस फोर मेंबर्स जो थे इस बैंड के, उन सबके जोडियक साइंस इसमें यहाँ पे शो करें, जैसे लायंस लियो को है, उसके बाद क्रैब है, कैंसर है, कैंसर को शो करेगा। उसके बाद वो खुद जो थे वो वर्गो के थे, तो उन्होंने दो फेरीज वहाँ पर बनाई हैं, और क्वींस क्रेस्ट सेंटर में उन्होंने बनाकर रखा हुआ है। तो शानदार लोगो यहाँ पर शो करता है। तो मतलब हर चीज़ के पीछे उन्होंने एक लॉजिक रखा था, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने 17 सॉन्ग में से 10 सॉन्ग खुद लिखे हुए हैं, जो क्वीन के ऑल टाइम हिट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ करने वाला हूँ वो ये है, ही वॉज बॉर्न विथ 4 सुपर न्यूमरी इंसाइजर्स, ठीक है। तो मतलब जब आप इनके फोटोज़ को देखेंगे, एल्बम्स को देखेंगे, तो इनके दांत में आपकी ज़रूर नज़र पड़ेगी, आप उसका हटास भी मचाएंगे कि भाई देखिए दांत कितने गंदे लग रहे हैं। लेकिन आपको इतना बता देता हूँ कि वही उनका सबसे बड़ा पावरफुल टूल था। उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया हुआ है कि जो उनके जो टीथ्स जो हैं, क्योंकि अंदर जो है एक्स्ट्रा टीथ्स आने के कारण में आपको सुपर न्यूमरी इंसाइजर्स जो उनके बने थे वो उसको गाने में बड़ा हेल्प करता था। तो यहाँ पर हम ये एक चीज़ इनसे सीख सकते हैं कि आप अपनी जो कमियाँ हैं उस कमियों को छुपाइए नहीं, जबकि बल्कि उसको आप अपना टूल बना सकते हो, पावरफुल टूल बना सकते हो, जिसका आप अपना इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हो। मतलब इफ़ यू प्रिपेरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, और अगर आपके पास में गरीबी है और आपके रिसोर्सेस नहीं है, तो लेकिन जो भी रिसोर्सेस आप उनका कंप्लीटली इस्तेमाल करिए, फुल इस्तेमाल करिए, हो सकता है कल के दिन वही आपके लिए पावरफुल टूल के रूप में बन जाए। तो यही चीज़ फ्रेडी मर्करी ने किया। वो जो उनके एक्स्ट्रा टीथ्स दो थे, देखिए वो फिजिकली देखने में तो इतने शानदार नहीं थे, आजकल के जो दौर के जो पॉप बैंड्स हैं और उसके बाद रॉक स्टार्स हैं, उनके एकेडमी अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वही उनके लिए पावरफुल टूल था। इतना पैसा था कि वो उसको ठीक करा सकते थे, लेकिन उनको जब देखा कि यही मेरे को हेल्प कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने एंड तक रहने
दिया। तो ये इनकी एक सबसे बड़ी खास बात थी, यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। उसके बाद देखिए, कॉन्सर्ट्स का ज़माना था उस ज़माने में और रेडियो का ज़माना था, तो उन्होंने 700 से ज़्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स किए थे अराउंड द वर्ल्ड। और उनका जो लास्ट कॉन्सर्ट जो था, लाइव परफॉर्मेंस आप कह सकते हो, विद द क्वीन था, वो था 9 अगस्त 1986 में नेपवर्थ पार्क इन इंग्लैंड। और इसमें अटेंडेंस की अगर आप बात करो लोगों की, तो 160,000 यहाँ पर अटेंडेंस थी, तो आज तक का ये रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड्स की और आप बात करें, तो अगर आपने यूट्यूब पर लाइव एड कॉन्सर्ट अगर आप देखा हो 1985 का, तो ये जो कॉन्सर्ट हुआ था, इस कॉन्सर्ट में जितने भी टॉप रॉक स्टार्स थे उस ज़माने के, उन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और फ्रेडी मर्करी का जो ये कॉन्सर्ट था, ये जितने भी आज तक के ग्रुप एग्जीक्यूटिव्स, मतलब आप कह सकते हो म्यूजिक एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उन्होंने इस लाइव कॉन्सर्ट को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइव परफॉर्मेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द रॉक म्यूजिक का दर्जा दिया है। तो आप इसको यूट्यूब में जरूर आप इसको चेक करें, देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वाई इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइव परफॉर्मेंस इन द हिस्ट्री ऑफ रॉक म्यूजिक। इससे देखिए हम एक चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि जब ये लाइव कॉन्सर्ट वो कर रहे थे, तो इससे पहले उन्होंने अपनी जो एड्स जो उनको हो चुकी थी वो अपनी बैंड में रिवील करी, और एक प्रकार से वो टूट सकते थे और छोड़ सकते थे उस कॉन्सर्ट को, और अपनी दिमाग जो बीमारी जो है उसको ठीक करा सकते थे। लेकिन उन्होंने एक प्रकार से अपनी जो डिजीज़ जो थी उसको एक्सेप्ट किया, और अपने जो लोग थे उनसे छुपाया नहीं और उनसे लड़े, तो उनके बैंड ने इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी जो कि आज तक का ग्रेटेस्ट लाइव परफॉर्मेंस ये बन चुका है। तो ये सोचिए कि वो बंदा जो डिजीज से गुजर रहा है और वो परफॉर्मेंस देता है, वो भी ग्रेटेस्ट देता है, तो अपने आप में एक प्रकार से मिसाल बन जाती है आप सबके लिए। तो आप भी जो हैं, अपने एग्ज़ाम्स जो भी हों, अगर आप फेल हो रहे हो, तो उसमें आप उठें और दोबारा प्रयास करें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अगली बार देने की कोशिश करें। उसके बाद हम थोड़ा इनके एंड पार्ट में जाते हैं, डेथ में जाते हैं। तो मरकरी जो है, सिर्फ 45 की एज पर इनका डेथ हो चुकी थी, तो ही डाइड एट द एज ऑफ 45, ठीक है। और अपने घर पे मरे थे, केंजिंगटन नाम की जगह है इंग्लैंड में। किससे मरे थे? ब्रोंकाइल न्यूमोनिया से मरे थे, विच वॉज द रिजल्टिंग फ्रॉम एड्स। एक्चुअली एड्स करता क्या कि एक्वायर्ड एमिन डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपके शरीर पे आपकी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको कम करता है। तो ब्रोंकियल न्यूमोनिया जो इनके हो गई थी, उससे इन्फेक्शन होने के कारण इनकी डेथ हो गई थी। और क्योंकि ही वॉज फ्रॉम पारसी कम्युनिटी, तो इनकी जो लास्ट राइट्स जो थे, दे वर ऑल डन परफॉर्म्ड कह सकते हो आपकी बाय दी रिलीजन ऑफ दिस जोरास्ट्रियन, ठीक है। और जब इनकी डेथ हुई, तो इसके बाद इनको जो अवार्ड्स हैं उनको मिलने का जो सिलसिला है वो चलता गया। और उसके बाद में, डेथ के बाद में, ही वॉज इंडक्टेड इन टू द रॉक एंड रोल ऑफ फेम इन 2001। मतलब जो क्वीन इनका जो बैंड जो था, इसको बहुत बड़ी एक उपलब्धि मिल गई, हॉल ऑफ फेम में इसको जगह मिल गई थी, ठीक है। और जितने भी मेंबर्स जो क्वीन के थे, दे वर इंडक्टेड, ठीक है, इन द हॉल ऑफ फेम इन 2003। उसके बाद पॉस्टमसली ही इनको ब्रिटेन अवार्ड मिला था, ठीक है, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ब्रिटिश म्यूजिक इन 1992। और यही नहीं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि माइकल जैक्सन के बहुत से स्टैचूज हैं, उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में भी इनके नाम का एक बहुत बड़ा 10 फीट का स्टैचू बनाया गया था। देखिए खास बात क्या है इसके, इनके डेथ में, कि ही वॉज द फर्स्ट मेजर स्टार टू डाई ऑफ एड्स। उस समय पे एड्स जो थी वो नई नई डिजीज बन के आ रही थी, और ही वॉज द फर्स्ट मेजर स्टार। तो इससे एक अवेयरनेस यहाँ पर फैली थी, क्योंकि वो स्टार थे और स्टार के मरने पे एक्चुअली बहुत सी हलचलें होती हैं। तो जब ये मरे एड्स से, तो उस एड्स के प्रति जो लोगों में अवेयरनेस था वो बढ़ा, बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस जो थे वो सामने आए, और इनके खुद के बैंड ने एक ट्रस्ट बनाया था जिसमें एड्स के प्रति अवेयरनेस लोगों में जा सके और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो नए नए रिसर्च वर्क है वो किए जा सके। तो बहुत सी चीज़ें उसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देखिए इस इनके डेथ के बाद भी जो है वो सिलसिला कम नहीं हुआ, इनका बैंड की ख्याति जो है और बढ़ती गई दिनों दिन, ठीक है। बहुत पैसा इन्होंने अपने जीवन में कमाया था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने लो टू हाई पोजीशन पर गए और कभी भी
एक प्रकार से अपनी वीकनेस को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। वही चीज़ आप अपने जीवन में कर सकते हो कि अपनी वीकनेस को कभी भी अपने ऊपर आप हावी मत होने दो, बल्कि उस वीकनेस को अपना पावरफुल टूल बनाने की आप प्रयास किया करो।